आज युवा की बात हुई, युवा कहीं ना कहीं हाशिए पर है। भारत की लगभग पार्टियां युवाओं को शोषण करने में लगी हुई है, युवाओं के साथ धोखा करने में लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बीते दिनों लखीसराय में जन अधिकार पार्टी द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जाप के नेता और पप्पू यादव के बेहद ही करीबी माने जाने वाले राजू दानवीर जो है वो उस युवा संवाद में पहुंचे। युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में युवाओं की भागीदारी अगर ज़्यादा हो जाती है तो देश और भी विकसित हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को उन नेताओं और उन पार्टियों से सावधान रहना चाहिए जो सिर्फ उनके वोट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उन्हें फेंक देते हैं। तो देखिए, युवा संवाद कार्यक्रम में पहुंचे जाप नेता राजू दानवीर युवाओं को क्या कुछ कह रहे, संबोधित करते हुए उन्होंने क्या मंत्रा दिया है, आपको उनकी तमाम बातों को सुनवा दें। आज मुंगेर परमंडल का जन अधिकार युवा संवाद की बैठक लखीसराय में रखी गई थी। यहां पर बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय के जिला अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्ष सब शामिल हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि आज ये जन अधिकार युवा संवाद का दूसरा पड़ाव था और ये पीछे इससे पहले भी गया मगध प्रमंडल का जो बैठक गया में हुई थी, और ये लगातार आगे 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगी। अलग अलग प्रमंडलों में और अलग अलग प्रमंडलों का बैठक होगा और उस सभी में आज युवा की बात हुई। युवा कहीं ना कहीं हाशिए पर है। भारत की लगभग पार्टियां युवाओं को शोषण करने में लगी हुई है, युवाओं के साथ धोखा करने में लगी हुई है। युवा सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए बना है, क्योंकि युवाओं को राजनीति में आने के लिए बड़ी से बड़ी पार्टियां जगह नहीं देती है। आज युवाओं की बात हम लोग यहां करने आए थे, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं हाशिए पर, युवा सिर्फ वोट देने के लिए बना है। न युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और न ही रोजगार मिल रही है। रोजगार के तलाश में युवा जो है दूसरे स्टेट में भटकते हैं और दूसरे राज्य में जाकर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, युवाओं को मिलती है कल कारखानों में सिर्फ और सिर्फ काम। पढ़ लिख कर व्यक्ति 20,000 के लिए, 10,000 के लिए दूसरे राज्य में धक्का खाता है और बिहार में जो रोजगार होता है उसको कहीं ना कहीं बंदरबांट कर दिया जाता है। तो युवा तो आज हाशिए में है। आज युवाओं की बात इसीलिए है क्योंकि जो सदन में भी औसतन आयु है जो 50 से प्लस है, 50 के पार है, क्योंकि उसमें युवा तो है नहीं। यदि युवा रहती तो औसतन आयु सदन की जो है वो 40 होती। आज हम सब युवाओं की बात करने आए हैं कि युवा देश के भविष्य है और युवा राजनीति में क्यों पीछे हैं, सदन में पीछे क्यों हैं, विभिन्न जितनी भी पार्टियां हैं युवा को टिकट क्यों नहीं देती है। इसलिए आज युवाओं की बात करने आए हैं। हमारी पार्टी पूर्व में जो विधानसभा चुनाव थी उसमें 80% टिकट जो है युवाओं को दी थी और युवा कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के साथ कदम से कदम दर मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हम भी यहां पर सारे युवा संकल्पित हुए हैं कि मुंगेर परमंडल के सारे पंचायत में युवा विंग को मजबूत करेंगे और ये युवा कहीं ना कहीं बिहार और देश की स्थिति को बदल कर रख देगी। और इसी संकल्प के साथ जन अधिकार युवा संवाद हम लोग लगातार प्रमंडल बाई प्रमंडल बढ़ते जा रहे हैं और सारे युवाओं को जगाते चल रहे हैं।